नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज कोई ड्राइविंग नहीं होगी फिलहाल। वैसे तो ड्राइविंग होती है हमेशा मेरे चैनल पर, लेकिन आज मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं अपने स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि वो सब प्रो बन चुके हैं। कुछ स्टूडेंट हैं नए, जैसे कि भाई साहब पीछे बैठे हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम है हनुमान धाम मंदिर। राम पिलमदारा से मेरे हिसाब से 19 किलोमीटर है लगभग श्री हनुमान धाम मंदिर। तो आज हमने हनुमान धाम मंदिर घूमने का प्लान बनाया है, श्री बालाजी के दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, काफ़ी मतलब बढ़िया रहेगा आपका और हमारा भी, क्योंकि हमारा दिन तो शुभ होगा। हम सुबह सुबह निकल रहे हैं हनुमान धाम। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरूर करना। तो दूसरे भाई हमारे ये बैठ चुके हैं यहाँ पर, करण भाई, जो निशब्द रहते हैं, हमेशा कुछ बोलते नहीं हैं। पता नहीं क्या है जो ये नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हो भाई? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इसको टॉपिक चाहिए बोलने के लिए, बताओ। हम देखिए टॉपिक के बोल दे रहे हैं यहाँ पर। खैर, अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, उनका घर शांति कुंज रोड नंबर 5 में। हर्ष भाकुनी जी काफ़ी अच्छी कार चलाते हैं वो। आज उनकी ड्राइविंग भी आप देखोगे, और पहले भी उनकी वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पर। जिन्होंने नहीं देखी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, कभी भी ऐसी सड़कों पर आप चलो ना, तो पहला दूसरा गियर ही रखना है, ये ध्यान देना है, ठीक है? बिल्कुल मजे से एंजॉय लेते हुए। तो भाकुनी जी के घर हम पहुंच चुके हैं। ये भाकुनी जी का घर और उनकी बाइक बाहर ही खड़ी है। ये बहुत बढ़िया आदमी है, दो बार हॉर्न बजाते। अरे बिगर हॉर्न के आ गए आज भैया, ये देख रहो, मतलब रेडी थे ये। पीछे बैठो, हमारी जगह लेना चाह रहे हो क्या? हैं? राम राम। ये हमारी सीट में बैठना चाह रहे हैं भाई, आगे आकर के वो भी बताओ। जहाँ हम किसी को बैठने नहीं देते हैं वहाँ बैठना चाह रहे हैं। देखो अभी एक नमूना और हमारा बचा हुआ है आगे, उनसे भी हम जल्दी मिलाएंगे। तो हम छोटी सड़क से, यानी कि लिंक रोड, अगर हम कोई ज्वाइन करते हैं हाईवे की तरफ, जिधर सामने ये है दोस्तों सामने बड़ी सड़क, तो हमने आराम से इंडिकेटर देना है और फर्स्ट गियर करना है और लेफ्ट राइट देखना है। हॉर्न देते हुए आराम से हमने टर्न करना है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो। हमारे तो फिलहाल कोई नहीं है, तो हमने टर्न किया आराम से, ईजी। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाए तो आराम से सेकंड गियर ला सकते हो और गाड़ी को चला सकते हो। तो मैंने नमूना इसलिए बोला क्योंकि ये हमेशा अपने टाइम पे कभी करेक्ट आया नहीं है। जब भी जो टाइम दिया है इन्होंने, खुद का जो भी टाइम लिया है उस टाइम पे भी करेक्ट नहीं आया। जैसे कि आज हमने टाइम दिया था 10 बजे का करेक्ट सब लोगों को, सब लोग पहुँच गए, लेकिन ये भाई नहीं पहुँचा। पता नहीं अब इनके हमें घर जाना पड़ रहा, जिस वजह से थोड़ी सी हम लेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चलेगा। क्यों? आज सुबह सुबह मुझे भाई लोगों में बताना चाहूँगा इस वीडियो पे भी, मुझे एक पापा की परी ने उड़ा ही दिया था। स्कूटी से थी वो और उसके पीछे उनकी मम्मी बैठी हुई थी। मैं हाईवे पे अपनी 20 या 30 की स्पीड में आ रहा था स्कूटी से, क्योंकि स्कूटी ज़्यादा तेज भी, स्कूटी का कोई सा भी वाहन तेज़ नहीं चलाना चाहिए, खासकर स्कूटी, इसलिए क्योंकि वो स्लिप मार जाती है एकदम, छोटे टायर होते हैं। तो जैसे ही मैं आ रहा था तो मैडम जैसे कि लेफ्ट साइड में थी, मैं सीधे अपनी साइड में जा रहा था। मैडम ने ना आओ देखा ना ताओ बिगर इंडिकेटर के गाड़ी डाल दी यू करके। इतना सा बचा मैं, इतना सा, वरना आप लोग मुझे वहाँ मिलने आते, ठीक है? तो मैं सभी से बोलूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इंडिकेटर ज़रूर दें और दाएं बाएं देखें, उसके बाद गाड़ी को टर्न करें, क्योंकि आज मेरे साथ एक हादसा होने वाला था। तो आप लोगों के साथ ना हो ना आप लोग किसी के साथ करो, तो प्लीज़ जब भी आप गाड़ी को टर्न करें इंडिकेटर अवश्य दें। तो हम पिलमदारा क्रॉस कर रहे हैं फिलहाल अभी, और ये गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं और बन भी चुके हैं, ये हैवी ड्राइवर बन गया नहीं मैंने अभी। वो भी कितना शर्मा रहा है लुंडा ये, ओफो है, देख के चलता फिलता बुलडोजर है, कहीं ट्रैक्टर में उड़ाओ। स्पीड बिल्कुल नहीं, मुझे स्पीड दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, हम 10 मिनट लेट हो गए आपकी वजह से, तो इतनी रेस काहे दे रहे हो, है? राइट जाना है, ठीक है, आराम से गाड़ी मोड़ना, नियमों का पालन करना है, बहुत बढ़िया। यहाँ से डालेंगे, यहाँ से, वहाँ से क्यों डाल लेते, पहली बार गाड़ी मोड़ रहे हो क्या? हाँ क्या क्या कह रहे हो? मोटरसाइकिल डाल देता हूँ। मतलब तुम नियम तोड़ते हो हैं, मोटरसाइकिल डाल दोगे वहाँ से ऐसे ही? जनता माफ नहीं करेगी। तो अभी हम फिलहाल रामनगर हाईवे में हैं और कार तो ये बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन कमी एक इनके साथ ये हो रही है, क्योंकि ये स्पीड पकड़ रहे हैं, स्पीड बहुत तेज हो है। क्यों भाई, क्या है, बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें जाने की?
तो ऐसे ही पिटते हैं मेरे हाथों से जो स्पीड पकड़ते हैं, तो कृपया स्पीड ना पकड़ें। तो भाई का यहाँ से ट्रैफिक शुरू हो गया है। तो दोस्तों हनुमान धाम जाने के लिए जब आप काशीपुर की तरफ से आओगे तो पिरमदारा, पिरमदारा से टांडा, टांडा से चिल्का, चिल्का से रामनगर, तो हम रामनगर ट्रैफिक में एंट्री करते हैं। और इस भाई की पहली ड्राइविंग है ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में मैं अभी भी बता दूँ कि स्पीड ना पकड़ें, स्पीड ना पकड़ें। क्यों पकड़ो तुम स्पीड भाई, है का है? अबे तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है आज, क्या बात भाई, आराम से चलो, फर्स्ट ही खेल लो फर्स्ट, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, फर्स्ट ही खेल लो। स्पीड रुक गई ना, आज ट्रैफिक भी बहुत है यार। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरधूप। सियावल राम चंद्र की जय, हनुमान की जय, सियावल राम चंद्र की जय। हमने सीधे जाना है, अगर आप लोगों को शॉर्ट जाना होगा तो आप लोग भवानीगंज से राइड कर सकते हैं हल्द्वानी के लिए, हनुमान धाम जाने के लिए। फिलहाल हम लेफ्ट जा रहे हैं क्योंकि इनको ट्रैफिक ड्राइविंग देनी है मैंने, हम आगे से टर्न लेंगे। वो भी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ आगे से कहाँ से टर्न लेना है आपको। अनिल भैया जी, तुम्हारी जो स्पीड हो रही है ना, वो कुछ हो रही है, तो ये मैं नहीं चाहता कि मेरे घूंसे आज मजबूत हो जाएं मारते मारते तुम्हारी टांगों में। तो ध्यान दें, स्पीड को कंट्रोल करें, मार्केट में स्पीड कदापि नहीं, ठीक है? तो ट्रैफिक तो बहुत गंदा है भाई का, लेकिन आज ये बेचारा मार बहुत खा रहा है यार, आज के दिन तो मार नहीं खाता कम से कम, है भी लड़के, एक ही वजह से मार रहा हूँ, स्पीड की वजह से ना। तो क्यों हो रही है वो स्पीड बार बार, ये बता दो मुझे, है बता दो ना बाबू प्लीज, ऐसे बोलते ना निब्बा निब्बी मेरे बाबू, ती तलना है। तो रानी के रोड और टेम्पो से सावधान रहे, और इन बस वालों से भी सावधान रहे, मैं दुखी हो चुका हूँ साला, ये दुख काहे खत्म नहीं होता थे। चलिए आंटी बहुत खतरनाक है, वो चलान काट देंगी। तो दोस्तों हम अभी रानी के रोड है, रोड इज वर्डा हमने क्रॉस किया है, और यहाँ से आपको अगर हनुमान धाम जाना होगा तो आपको लखनपुर चुंगी यानी कि लखनपुर से आपने राइट टर्न करना होगा, जैसे कि हम अभी आपको दिखाएंगे भी कहाँ से राइट टर्न आपने करना है। तो यहाँ से लखनपुर चुंगी से आपको राइट लेना होगा हनुमान धाम जाने के लिए, यहाँ से राइट लेना है। तो और साथ साथ क्या करना है, बहुत बढ़िया, आराम से गाड़ी को मोड़ना, लेफ्ट राइट देखते हुए घुमाइए स्टीयरिंग को, गुड, चलते रहो आप, वो हमें जगह देगा क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पहले होगी। मोड़िए, चलिए जी, गुड। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ड्राइविंग कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो पसंद नहीं आया क्योंकि इन भाई ने बड़ी स्पीड पकड़ी, तो आप स्पीड ना पकड़ें, ठीक है? दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।